इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स में जो जॉब्स हैं या टीचिंग की या एजुकेटर्स की, उसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आपने उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले आपने जाना है उनकी वेबसाइट पे, जॉइंट पाक PAF.gov.pk, ठीक है, जॉइंट पाक एयरफोर्स। जब ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है रजिस्टर्ड ऑनलाइन, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक पेज ओपन होगा जहाँ पे वो आपका CNIC नंबर पूछ रहा है, ठीक है। तो CNIC नंबर लिख के यहाँ पे सबमिट करेंगे आप। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह से ओपन होगा, ये आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है, ठीक है। और इसके यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद कुछ और उनकी इंस्ट्रक्शन है, वो भी आपने सारी पढ़ लेनी है और यहाँ से नेक्स्ट कर देना। अब किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, डिफरेंट उनकी चार किस्म की पोस्ट हैं और डिफरेंट उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, एज कितनी रिक्वायर्ड है और नेशनैलिटी और ये मैरिड अनमैरिड, ठीक है, और हाइट कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने नीचे क्वालिफिकेशन में दी हुई हैं जो रिलीजियस टीचर होगा। इसी तरह एजुकेशन इंस्ट्रक्टर है, इसके लिए क्या है, एज ये है उनकी, ठीक है, और सिटीजन होना चाहिए पाकिस्तान का, मेल होना चाहिए, मैरिड अनमैरिड दोनों हो सकते हैं, ठीक है। MA इंग्लिश कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। और इसी तरह इंस्ट्रक्टर एजुकेशन ये है, ये फिजिक्स के लिए है, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसी तरह इसकी जो जो रिक्वायरमेंट्स है तो सारी इन्होंने नीचे दी हुई हैं। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं जस्ट उसके आगे अप्लाई नाउ का बटन है, ठीक है। जैसे कि ये अप्लाई नाउ का बटन है तो आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे आपके पास एक और पेज ओपन होगा, ये वाला पेज है। यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, अपनी सारी डाटा देना है। इसकी लास्ट डेट जो है वो है 21/21 तक आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे टेस्ट सेंटर कहाँ पे अपना टेस्ट देना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, अच्छा ये सिलेक्ट कर ली। उसके बाद हम ब्रांच सिलेक्ट करेंगे, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होगी, ठीक है। शादी का नंबर ऑलरेडी हमने लिख दिया हुआ है। अपना फुल नेम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे फादर नेम लिखेंगे, इसी तरह यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे मेल लिखेंगे, मतलब मेल जो फीमेल जो भी अप्लाई करना चाह रहे हैं वो। हाइट आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, रिलीजन इस्लाम है जो भी है वो आप करोगे, मैरिटल स्टेटस मैरिड हो या अनमैरिड हो वो सिलेक्ट करोगे, यहाँ से डोमिसाइल आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे फादर ऑक्यूपेशन जो भी आपके फादर काम करते हैं वो आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद एड्रेस की ऑप्शंस आ जाती है, यहाँ पे अपना एड्रेस कंप्लीट लिख लोगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे भी दो मोबाइल नंबर आप लिख सकते हो, ईमेल एड्रेस है आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो कोड ये शो हो रहा है उसको आपने यहाँ पे लिख देना, ठीक है, एंटर अबाव नंबर हेयर जो भी आपको शो हो रहा होगा वो आपने इस जगह पर लिख देना। उसके बाद क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, जो भी आपकी होगी ग्रेजुएशन है वो आप सेलेक्ट करोगे और मेजर सब्जेक्ट कौन सा है वो सिलेक्ट करोगे, यहाँ से सब्जेक्ट कौन से हैं वो आप सिलेक्ट करोगे, एमए इंग्लिश है जो भी होगा, यहाँ पे मार्क्स या CGPA और आउट ऑफ CGPA ये मार्क्स वो एंटर करोगे, पासिंग ईयर कब आपने किया, स्कूल या यूनिवर्सिटी जिससे भी किया वो आप करोगे, और सबमिट करने के बाद आपके पास रोल नंबर स्लिप जनरेट हो जाएगी ईजिली। तो ये सारी कुछ इंस्ट्रक्शन ही आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर भी अप्लाई करने से पहले। तो इस तरह से आपने इस जो है जॉब के लिए अप्लाई कर लेना है।